दोस्तों यहाँ पर देख जो वैकेंसी जो निकल कर आया है, देखिए जल छाजन विकास दल के लिए वैकेंसी है, जहाँ पर देवघर के ब्लॉक लेवल की वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए पोस्ट है दोस्तों WTD एग्रीकल्चर लाइवलीहुड एक्सपर्ट के लिए पोस्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं BSc होना चाहिए दोस्तों, BSc इन एग्रीकल्चर और एलाइड सब्जेक्ट से अगर यदि किए हुए हैं तो आप लोग देखिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट किए हुए हैं बोटनी से, जियोलॉजी से, या जियोलॉजी से, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो आप लोग देखिए आवेदन कर पाएंगे। देखिए WTD सोशल एक्सपर्ट्स फीमेल के सिर्फ आवेदन करेंगे, जहाँ पर ग्रेजुएट पास होना चाहिए जो कि सोशल साइंस से, या फिर देखिए सोशोलॉजी से, या फिर देखिए MSW से दोस्तों। देखिए सोशल वर्क का ही ये सब्जेक्ट है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क का सब्जेक्ट है ये, ठीक है। देखिए PGDRD यानी सो ये देखिए ग्रामीण डेवलपमेंट का, मतलब रूरल डेवलपमेंट का देखिए एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर अगर किए हुए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। देखिए MARD यानी अकाउंटेंट के क्षेत्र में देखिए एक यहाँ पर देखिए रूरल डेवलपमेंट का ही एक कोर्स है, ये अगर यदि आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 1 साल का देखिए एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों इन सोशल वर्क में, तो आप लोग देखिए इस वैकेंसी को आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं आवेदन कर सकते हैं। कैसे आवेदन करेंगे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आप लोग का एप्लीकेशन फॉर्म, ये इस एप्लीकेशन फॉर्म को देखिए भरने के बाद देखिए आप लोग को जो है भेज देना है दोस्तों 18 अगस्त तक, देखिए इसका अंतिम तिथि है, ठीक है, जहां पर आप लोग स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से देखिए आप लोग जो है जमा कर पाएंगे। कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल देवघर सह परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी, देखिए ये आप लोग का फुल एड्रेस दोस्तों, इस एड्रेस पर देखिए आप लोग जो है भेज सकते हैं। यहाँ पर हालांकि कार्यालय का पता देखिए फुल दिया हुआ है, इस एड्रेस पर देखिए आप लोग जो है भेज पाएंगे। और दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से आप लोग का जो है सिलेक्शन होगा इसका। यहाँ पर देखिए इंटरव्यू 23 अगस्त को इंटरव्यू होना है, कहाँ पर, तो देखिए कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास प्रमंडल देवघर में जो आप लोग का इंटरव्यू हो गई। तो दोस्तों देखिए आप लोग का जो वैकेंसी निकल कर आया है खूंटी जिला से वैकेंसी है, जहाँ पर होमगार्ड के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आया है दोस्तों। हालांकि इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में बता चुके हैं, लिंक देखिए पूरा डिटेल का लिंक दिया हुआ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट क्लिक करके आप जो है पूरा जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। कुल मिलाकर देखिए 491 पोस्टों पर बहाली है दोस्तों। यहाँ पर देखिए जहाँ पर आप लोग का उम्र सीमा देखिए रखा गया है, 1/1/2022 के अनुसार उम्र सीमा की गणना की जा रही है। 19 से 40 वर्ष वाले देखिए यहाँ पर जो है आवेदन कर पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता दोस्तों ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए देखिए 7वीं पास होना चाहिए, और शहरी गृह रक्षकों वालों के लिए देखिए न्यूनतम मैट्रिक पास आप हैं तो देखिए आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इस वैकेंसी का दोस्तों आप लोग देखिए आवेदन जो है कब कब से कब होगा, पहले तो इसमें देखिए दौड़ वगैरह होगा, उसके बाद देखिए आप लोग का जो है लिखित परीक्षा होगी, फिर आप लोग का देखिए यहाँ पर जो है सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे, जो कि यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है देखिए दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय सह जिला समाधिष्ट झारखंड गृह रक्षा वाहिनी खूंटी पिन नंबर देखिए दिया हुआ है, ठीक है। इस फॉर्म भर के देखिए आप लोग का जो है जमा करना है, जो कि इसका डेट है 2 सितंबर से देखिए फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, 20 सितंबर तक देखिए आप लोग जो है आवेदन कर पाएंगे। देखिए अगला वैकेंसी आप लोग का पलामू जिला से वैकेंसी निकल कर आया है, जो कि समाज कल्याण शाखा के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी है, DC ऑफिस में वैकेंसी निकल कर आया है, ठीक है। जिला योजना समन्वयक पोस्ट है, ठीक है, जहाँ पर देखिए 35,000 रुपये आप लोग का पर मंथ सैलरी है दोस्तों। देखिए उम्र सीमा जो है 18 से 35 वर्ष वाले आवेदन कर सकते हैं। 1/8/2022 के अनुसार देखिए उम्र सीमा की जो है गणना की जा रही है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट PG डिग्री किए हुए हैं, ठीक है, इसमें दोस्तों सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस से किए हुए PG डिग्री, या फिर जीवन विज्ञान लाइफ साइंस से, पोषण से, न्यूट्रिशन से, या फिर देखिए और ड्रग्स से किए हुए हैं, या फिर देखिए स्वास्थ्य प्रबंधन यानी हेल्थ मैनेजमेंट से, या फिर देखिए सामाजिक कार्य यानी सोशल वर्क से किए हुए, या फिर देखिए ग्रामीण प्रबंधन यानी रूरल मैनेजमेंट से अगर देखिए किए हुए, तो आप लोग देखिए आवेदन कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों देखिए न्यूनतम देखिए यहाँ पर जो है कहीं पर भी काम किया हुआ 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, MS ऑफिस की जानकारी होना चाहिए दोस्तों। आप लोग इसका इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है, टेस्ट लिया जाएगा, और साथ ही दोस्तों अंग्रेजी भाषा एवं स्थानीय भाषा की जो है जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उम्र सीमा देखिए यहाँ पर जो है 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप लोग देखिए इस वैकेंसी को आप लोग यदि आवेदन करना चाहेंगे तो कैसे आवेदन करेंगे, तो इसका देखिए फॉर्म आप लोग का लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, फॉर्म भर के दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग को जो है सेंड कर देना है। देखिए फॉर्म का डेट दोस्तों देखिए 14 अगस्त तक देखिए यहाँ पर जो अंतिम तिथि है। कहाँ पर भेजना, देखिए जिला समाज कल्याण कार्यालय पलामू पर देखिए इस एड्रेस पर देखिए आप लोग को जो है भेज देना है। फॉर्म का लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए अगला वैकेंसी दोस्तों आप लोग का पलामू जिला से वैकेंसी है, जहाँ पर देखिए मेदिनीनगर प्रमंडल से वैकेंसी है। देखिए पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर जो है वैकेंसी निकल कर आया है, ठीक है। यहाँ जो देखिए पोस्ट है दोस्तों MIS कोऑर्डिनेटर के लिए पोस्ट है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए IAC कोऑर्डिनेटर के लिए पोस्ट है, और देखिए यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट SBM कम SLWM कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पर देखिए पोस्ट निकल कर आया है। इन सभी पोस्टों के लिए आप लोग देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो जो भी कैंडिडेट MBA किए हुए हैं, ठीक है, मास्टर डिग्री जिसके पास है, MBA किया हुआ है, MSc किया हुआ है, यानी सो देखिए
मतलब MBA वाले PG डिग्री जो किए हैं दोस्तों, ये सब डिग्री अगर जिसके पास है वो देखिए आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 3 साल का देखिए एक्सपीरियंस चाहिए इस क्षेत्र में। ठीक है, देखिए 35,000 रुपये आप लोग का जो है पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए IAS कोऑर्डिनेटर के लिए देखिए सेम क्वालिफिकेशन चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 35,000 रुपये आप लोग देखिए पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट SBM के लिए बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखिए MBA किए हुए हैं, PG डिग्री किए हुए हैं दोस्तों, मतलब क्वालिफिकेशन हालांकि सेम है लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए अलग अलग क्षेत्र जैसे रूरल डेवलपमेंट में किए हुए हैं, MSW में किए हुए हैं। ये भी दोस्तों देखिए MSW जो आप लोगों का देखिए ये आप लोगों का मतलब सोशल वर्क ही होता है। ठीक है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क में अगर यदि किए हैं तो आप लोग देखिए आवेदन कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया, 40,000 रुपये आप लोगों को देखिए पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए इस वैकेंसी को आप लोग आवेदन कैसे करेंगे, देखिए ईमेल दिया हुआ है, इस ईमेल एड्रेस में देखिए आप लोग को जो है फॉर्म भर के देखिए सेंड कर देना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह जो देखिए 18 अगस्त तक देखिए इसका जो है अंतिम तिथि है, इसका आप लोग जो है ख्याल रखिएगा। चलिए दोस्तों, ये आप लोग का देखिए फॉर्म, इस फॉर्म को देखिए आप लोग भर करके आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों देखिए अगला वैकेंसी आप लोग का जो है पाकुड़ जिला से वैकेंसी है, यहाँ पर देखिए लिट्टीपाड़ा प्रखंड है दोस्तों, आप लोग जानते हैं पाकुड़ जिला में लिट्टीपाड़ा एक ब्लॉक है, वहाँ से देखिए वैकेंसी निकल कर आया है। तो दोस्तों जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं पाकुड़ वाले, इस वैकेंसी को देखिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 13 अगस्त तक देखिए इसका जो है अंतिम तिथि है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो कि आप लोग यह वैकेंसी हाथों हाथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाकर के जो है जमा कर सकते हैं। कार्यालय कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल पाकुड़ द्वितीय तल ब्लॉक ए संग्रहालय पाकुड़, जो कि पिन नंबर दिया हुआ है, यहां पर देखिए जाकर के जमा कर सकते हैं। यहां पर देखिए स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखिए, यहां जो वैकेंसी है जल छाजन विकास दल के यहां पर जो है सदस्य के लिए वैकेंसी निकाला गया, जो कि यहां पर पोस्ट है WTD एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड एक्सपर्ट के लिए यहां पर पोस्ट है। जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाह रहे हैं, ग्रेजुएट जिसके पास है जूलॉजी किए हुए हैं ग्रेजुएट में, या फिर देखिए बोटनी से किए हुए हैं, या फिर देखिए जूलॉजी से किए हुए हैं, या फिर देखिए वानिकी यानी फॉरेस्ट्री से किए हुए हैं, तो आप लोग देखिए आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं दोस्तों अगर यदि आप इन सभी जैसे जूलॉजी बोटनी जूलॉजी फॉरेस्ट्री में अगर यदि पोस्ट ग्रेजुएट कर लिए हो तो दोस्तों आप लोग डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। या फिर देखिए ग्रेजुएट अगर यदि एग्रीकल्चर से किए हुए, वेटनरी से किए हुए, फिशर से किए हुए, एलाइड सब्जेक्ट और एक्सपर्ट से किए हुए, या फिर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से अगर किए हुए तो आप लोग देखिए आवेदन कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, या फिर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट आपके पास है, 1 ईयर डिप्लोमा अगर यदि किए हुए रिलेवेंट क्षेत्र में, तो दोस्तों आप लोग देखिए फिर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, या फिर देखिए किसी भी मान लीजिए लोकल ग्रेजुएट कर लिए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो दोस्तों साथ में देखिए 2 साल का रिलेवेंट क्षेत्र में एक्सपीरियंस चाहिए, तभी आप लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस हालांकि दोस्तों इसके अलावा तो आप लोग कंप्यूटर की जानकारी होना चाहिए और लैंग्वेज के बारे में आपको जो है जानकारी होना चाहिए। दोस्तों आपको देखिए बाइक चलाना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग का अधिकतम उम्र सीमा देखिए यहाँ पर जो है 45 वर्ष रखा गया इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, आवेदन करने का तरीका हालांकि हम आपको देखिए बता दिए हैं, ये रहा दोस्तों देखिए आप लोग का आवेदन फॉर्म, इस आवेदन फॉर्म को देखिए भर करके जो है जमा कर देना है। दोस्तों देखिए अगला वैकेंसी आप लोग का साहिबगंज जिला से है, यहाँ जो वैकेंसी है देखिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत वैकेंसी है, जहाँ पर लेखापाल पोस्टों के लिए देखिए बहाली है। ठीक है, देखिए 20,000 रुपये आप लोग का पर मंथ सैलरी है। BCOM जो भी कैंडिडेट किए हुए हैं 50% अंकों के साथ, वो देखिए आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और साथ ही अकाउंट्स के क्षेत्र में देखिए 3 वर्ष का जो है कार्य अनुभव मांगा गया है। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज देखिए आपके पास जो है होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट देखिए आवेदन करना चाह रहे हैं, ईमेल आईडी के माध्यम से आप लोगों को देखिए फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि ईमेल आईडी आप लोग का ये रहा। इस ईमेल आईडी पर देखिए आप लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट्स को देखिए PDF फाइल बना करके फॉर्म भर के जो है PDF फाइल बना करके 11 अगस्त तक देखिए आप लोग जो है भेज सकते हैं 5 बजे तक। ठीक है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं आप लोग देखिए आवेदन कर सकते हैं। ये आप लोग का आवेदन फॉर्म दोस्तों, लिंक देखिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ PDF का, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को देखिए डाउनलोड करके भेज मतलब उसको जो है फिल करके भेज सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रारंभिक मेगा सूची आप लोग का 16 अगस्त को तय किया गया है, और देखिए आप लोग का जो है यहाँ पर उसके बाद जो देखिए मेगा सूची के बाद दोस्तों देखिए 19 अगस्त को यहाँ पर देखिए चयन प्रक्रिया आप लोग का जो है शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपडेट रहने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले वैकेंसी देखते हैं। दोस्तों देखिए अगला वैकेंसी आप लोग का धनबाद जिला से यहाँ पर वैकेंसी है, जो कि ये देखिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ही वैकेंसी है, जहाँ पर लेखापाल पोस्ट के लिए वैकेंसी है। 20,000 रुपये आप लोगों का देखिए पर मंथ सैलरी है। दोस्तों जो भी कैंडिडेट BCOM किए हुए हैं 50% अंक के साथ देखिए उत्तीर्ण है, वो देखिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही सो अकाउंट्स के क्षेत्र में आप लोग का जो है 3 वर्ष का देखिए कार्य अनुभव मांगा गया है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा सो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की जानकारी जो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इस वैकेंसी को देखिए आप लोग आवेदन कैसे करेंगे, ईमेल के माध्यम से दोस्तों आप लोग ईमेल के माध्यम से सेंड करना है।
किसी भी तरह का देखिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। 12 अगस्त तक देखिए आप लोग जो है ईमेल कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल बना करके आप लोग जो है ईमेल भेज सकते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग का देखिए। और साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए ये भी बता दे रहे हैं आप लोगों को जो प्रारंभिक मेगा सूची आप लोग 24 अगस्त को यहाँ पर देखिए तय किया गया है, लिखित परीक्षा देखिए 30 अगस्त है और 2 सितंबर को देखिए आप लोग का जो है इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग का ये आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म, इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो है भर करके जो कि आप लोग को देखिए ईमेल में सेंड कर देना है ईमेल के माध्यम से। दोस्तों देखिए आप लोग का वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आया है, रामगढ़ जिला से वैकेंसी है यहाँ पर, जो कि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर जो है वैकेंसी निकल कर आया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यह जो वैकेंसी है देखिए ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें से दोस्तों देख सकते हैं क्वालिफिकेशन इसका जो है जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन किए हुए हैं और वो भी दोस्तों ग्रेजुएशन किए हुए हैं 55% मार्क्स के साथ, वो देखिए इस वैकेंसी को जो है आवेदन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों देखिए ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर क्षेत्र में दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिए 3 साल का जो है वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। तो दोस्तों जिनके भी पास है वो देखिए इस वैकेंसी को आवेदन कर पाएंगे। 12,000 रुपये आप लोग का यहाँ पर देखिए पर मंथ सैलरी दिया जा रहा है दोस्तों इस वैकेंसी को। जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाह रहे हैं तो कैसे आवेदन करेंगे, तो आवेदन करने का दोस्तों इसका जो प्रोसेस है देखिए आप लोगों को ईमेल माध्यम से आप लोगों को जो है भेजना है, फॉर्म देखिए आप लोगों को जो है फिल कर लेना है, उसके बाद दोस्तों देखिए ईमेल में आप लोगों को देखिए सेंड कर देना है। ये दोस्तों देखिए ईमेल आईडी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, पीडीएफ फाइल बना करके देखिए आप लोग जो है ईमेल में सेंड कर सकते हैं। 17 अगस्त तक देखिए आप लोग को यहाँ पर देखिए इसका जो है समय दिया हुआ है 5 बजे तक, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 17 अगस्त तक देखिए आप लोग जो है फॉर्म को आप भेज सकते हैं इसका देखिए फर्स्ट लिस्ट आप लोग का देखिए आप लोग का जो है जारी किया जाएगा दोस्तों देखिए प्रारंभिक मेगा सूची 25 अगस्त को, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रारंभिक मेगा सूची के संबंधित ऑब्जेक्शन करना रहेगा तो 3 सितंबर तक है। लिखित परीक्षा देखिए आप लोग का आयोजन जो है 20 सितंबर को किया जाएगा। यहाँ पर देखिए दक्षता यानी इंटरव्यू आप लोग का देखिए 28 सितंबर को जो है लिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये आप लोग का देखिए वैकेंसी का फॉर्म दोस्तों इसको देखिए भर करके सेंड कर देना है। दोस्तों देखिए आप लोग का अगला वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आया, देखिए धनबाद जिला से वैकेंसी है यहाँ पर, देखिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आया जो कि ब्लॉक वास कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए वैकेंसी है। 12,000 देखिए आप लोग का पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए ग्रेजुएशन में दोस्तों देखिए 55% मार्क्स वाले इस वैकेंसी को आवेदन कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों देखिए कार्य अनुभव मांगा गया है, 3 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए, ठीक है। देखिए अब साथ में दोस्तों नॉलेज ऑफ देखिए एमएस ऑफिस या एमएड वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, देखिए यानी कंप्यूटर की जानकारी आपके पास जो है होनी चाहिए, ठीक है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए इस वैकेंसी को देखिए आप लोग 12 अगस्त तक देखिए आप लोग जो है भेज पाएंगे, जो कि यहाँ पर देखिए इस ईमेल एड्रेस पर देखिए आप लोग को फॉर्म भर के इस ईमेल एड्रेस पर देखिए आप लोग जो है सेंड कर देना है। 12 अगस्त तक देखिए इसका जो है अंतिम तिथि दिया हुआ है, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप लोग का, देखिए यहाँ जो इसका जैसे कि आप लोगों को प्रारंभिक मेगा सूची देखिए 24 अगस्त को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 26 अगस्त तक देखिए आप लोग आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और लिखित परीक्षा दोस्तों देखिए 30 अगस्त को रखा गया है और यहाँ पर इंटरव्यू आप लोग का जो है 10 सितंबर को देखिए 2 सितंबर को देखिए जो है रखा गया। देखिए ये फॉर्म रहा आप लोग का, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, भर सकते हैं।